और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं ज्ञानवापी पर। उत्तराखंड में जुटेंगे देश भर के संत। 11 और 12 जून को संतों की बड़ी बैठक होने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उत्तराखंड में संत जुटेंगे और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद, जिनकी ओर से ऐलान किया गया है 11 और 12 जून को संतों की बड़ी बैठक होगी। ज्ञानवापी मामला जो इस वक्त पूरी देश भर में गरमाया हुआ है और अब इसको लेकर संत समाज भी एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। 11 और 12 जून को ये बैठक होनी है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उत्तराखंड के संत इस बैठक में जुटेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इसका ऐलान किया है। तो अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद, ज्ञानवापी मामले पर विनों ने मोर्चा खोल कर रखा है और उत्तराखंड में संतों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। 11 और 12 जून को संतों की बड़ी बैठक होगी। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में उत्तराखंड में ये संत जुटेंगे और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने इस बात का ऐलान किया है। आपको बता दें कि लगातार याचिकाओं का दौर चल रहा है और अखाड़े कूद गए इस लड़ाई में। निर्मोही अखाड़े ने कल याचिका लगा दी है और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सपा कार्यालय में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक टल गई है। ये बड़ी जानकारी आजमगढ़ उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होनी थी। आजमगढ़ के सभी विधायकों को बैठक में बुलाया गया था। अखिलेश यादव को बैठक की अध्यक्षता भी करनी थी। व्यस्त कार्यक्रम के चलते अखिलेश यादव बैठक में नहीं पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता दें। और अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आजमगढ़ है वहां पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान होना है, कयास भी बहुत हैं। अब बैठक कब होगी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है और नाम कितने हैं जो तैर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव होना है और कल से नामांकन भी शुरू हो गया, आज दूसरा दिन था, पर किसी ने भी अभी तक नामांकन नहीं किया है। आज हमने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से पूछा कि कौन लड़ेगा, कैंडिडेट कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी तो समय है, 5 दिन का समय है, हम तय कर लेंगे। पर आज जब सदन से अखिलेश यादव निकले उसके बाद एक बैठक बुलाई थी, उसमें आजमगढ़ के जितने भी 10 विधायक जीते समाजवादी पार्टी के उन सभी लोगों को बुलाया था। ना केवल विधायक थे बल्कि जो पूर्व विधायक हैं उनको भी बुलाया था, वर्तमान जिला अध्यक्ष को। बिल्कुल, अनुभव हमारे साथ आप बने रहिए। आजमगढ़ से ही विधायक हैं संग्राम जी। संग्राम जी, स्वागत है आपके एबीपी गंगा में। ये बताइए कि जो आज बैठक होने वाली थी वो टल गई है, अब क्या कोई नया समय तारीख आप लोगों को दी गई है? आज सत्र का अंतिम दिन था जी, तो आजमगढ़ के विधायकों ने अनुरोध किया था कि अब हम अपने क्षेत्रों में जाएंगे, आप हमें समय से मिलकर के निकल जाए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय दिया था मिलने के जी, वो ऐसा बैठक का कोई एजेंडा नहीं था, वो मिलने के लिए समय दिए जी। तो अब समय आपको कुछ मिला है अगला, या आप लोग वापस जा रहे हैं आजमगढ़? नहीं नहीं, हम लोग तो उनसे मिल लिए जी, हाउस के अंदर मिले थे, लेकिन सबकी इच्छा थी कि चल के पार्टी कार्यालय बैठ लेंगे, क्योंकि आजमगढ़ में चुनाव प्रस्तावित है, डेट भी आ गई है, दिशा निर्देश ले लेंगे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें सबको जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम उससे आगे चल सकते अच्छी बताइए कि जब प्रत्याशी चुना जाएगा तो आप लोगों से निश्चित तौर से राय ली जाएगी, आप लोग महत्वपूर्ण हैं, तो किस किस नाम पर विचार कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा अधिकार कि वो किसे प्रत्याशी बनाते हैं, जिसमें प्रत्याशी आएंगे जी, आजमगढ़ की जनता उसे निश्चित जिता करके देश की संसद में भेजने का काम करेगी। अच्छा संग्राम जी, ये चर्चाएं भी बहुत ज्यादा हैं कि डिंपल यादव जी भी वहां से प्रत्याशी हो सकती हैं, तो अगर डिंपल जी लड़े तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, स्वागत करेंगे हम। डिंपल यादव के अलावा कोई और नाम भी हो सकता है क्या जिसका स्वागत आप करें? हम राष्ट्रीय जी का जो दिशा उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, ठीक है संग्राम जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का वीडियो लीक हो चुका है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसने ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीरें और वीडियो को लीक किया। वीडियो बाहर आने के बाद जहां वादी पक्ष आज वीडियो सीडी का सीलबंद लिफाफा कोर्ट को वापस लौटाने के लिए पहुंच गया, तो दूसरी तरफ प्रतिवादी पक्ष वीडियो लीक के लिए वादी पक्ष पर सवाल खड़े कर रहा है।
उतनी जनता की बातें उठाई जा सकती हैं और सरकार से उन सवालों का जवाब मांगा जा सकता है। देखिए ये सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि बजट कैसे जनता तक पहुंचे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट, तो देखिए विधानसभा में बजट सत्र का समापन हो गया है। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि जो तमाम मुद्दे हैं उन पर बातचीत हुई है और अब सत्र का समापन हो गया है, आगे की राजनीति शुरू होगी और इस राजनीति के साथ ही साथ आजमगढ़ की जो चुनाव की तैयारियां हैं वो शुरू होगी।